Okay, students, in this video we are going to continue the chapter Improvement in Food Resources. Students, in this video we are going to discuss the topic Insect Pest. देखो बच्चे, insect pest क्या होता है? Insect pest are the insect species that destroy or damage crops. देखो ऐसे insects जो क्या करते हैं, crops को खराब करते हैं, उनको क्या कहते हैं मेरा बेटा? इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं. अच्छा बेटू, अच्छा अब सुनो प्लीज, क्या होते हैं? देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. देखो, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट आर क्या होते हैं? पहले होते हैं च्यूइंग इंसेक्ट्स. च्यूइंग इंसेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे इंसेक्ट्स जिनको हम चबाते हैं, मतलब जिनको हम नहीं, मतलब जो जिसको भी खा रहे हैं क्रॉप को, उसको चबाते हैं. तो दीज इंसेक्ट्स कट रूट्स, स्टेम एंड रूट, स्टेम और लीव्स को क्या करते हैं बेटा? कट कर लेते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है कैटरपिलर्स एंड हॉपर्स. जैसे कि ग्रास हॉपर होता था ना, जो ग्रास को खाता है, ऐसे हॉपर्स होता है. देखो दूसरे कौन से इंसेक्ट होते हैं? द सेकेंड वन आर विच इंसेक्ट? द सेकेंड वन आर सकिंग इंसेक्ट्स. अब नाम समझा रहा है, सकिंग इंसेक्ट क्या करते हैं? सक करते हैं किसको? प्लांट के लिक्विड को. तो दे suck cell sap from various parts of plants. इसका example क्या कहता है? For example, इसमें हम एग्जाम्पल कहते हैं प्लांट बग्स. बग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चा? सक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट नाम आता है बोरर इंसेक्ट्स. बोरर मतलब जो छेद करते हैं. तो देखो बेटा, थर्ड वन इज बोरर इंसेक्ट्स. तो ये क्या करेंगे मेरा बेटा? दे बोर इनटू रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स. देखो क्या करते हैं ये? बेसिकली ऐसे छेद करते हैं और उसके अंदर जाकर रहने लग जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और अंदर का खाना खा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शूट बोरर, और होता है कॉटन बोल. हमने पढ़ा था ना कॉटन बॉल के लिए वॉर्म्स होते हैं, तो कॉटन बॉल बोरर्स. इतना समझ में आ गया होगा. अब कहते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करें. देखो अब इंसेक्ट्स तो ही हैं, उनको तो नहीं रोक सकते हैं, उनको तो खत्म नहीं कर सकते हैं, बट हम अपनी क्रॉप्स को कैसे उनसे प्रोटेक्ट करें? द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, कि कैसे उनसे प्रिवेंशन करी जाए, बचाव कैसे किया जाए. तो देखो पहला प्रिवेंटिव मेजर क्या कहता है? पहला कहता है क्लीन कल्टीवेशन. देखो क्लीन कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? कि देखो अगर अच्छे से साफ सफाई कर ली जाए उस खेत की, जहां पर भी उगाना है उस फील्ड की, तो बेटा वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑफकोर्स ये ग्रो नहीं करेंगे. तो पहला एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट इज क्लीन कल्टीवेशन. फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इज सेकेंड. क्या कहता है? सेकेंड कहता है प्रॉपर टाइम पर ग्रो कर दिया जाए, जिससे उनके सीड्स, उनके जो एग्स हैं वो काम ना करें. देखो टाइमली सोइंग ऑफ
क्रॉप्स, क्रॉप्स को टाइम से उगा दिया जाए। नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट कहता है यूज्ड ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज। हमें ऐसी स्पीसीज उगानी है जिन पे पेस्ट काम ही ना करे। जैसे कि हमने एक नाम भी पढ़ा था, वो नाम क्या था, बीटी कॉटन। तो दैट इज यूज्ड ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज, जिनमें कीड़े ही ना लगे, हमें ऐसी स्पीशीज को ग्रो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, समर प्लोइंग। जब बहुत तेज गर्मी हो ना, तो उस गर्मी में क्या कर दिया जाए, उस गर्मियों में ना फील्ड को प्लो करके छोड़ दिया जाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो नीचे तक के जितने भी एग्स है ना इनके, वो सब सूख जाएंगे ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो दैट इज समर प्लोइंग। नेक्स्ट कहता है क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा कि जो जिसके भी सीड्स होंगे ना, मतलब जिसकी क्रॉप होगी, सिर्फ उसी के ही इंसेक्ट काम करते हैं, दूसरे के काम नहीं करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा बेटा कि एक लिमिटेड तरीके से ही इंसेक्ट्स पेस्ट ग्रो करेंगे, बाकी हम उनको क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। देखो अच्छा अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्या तरीका कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट तरीका कर सकते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम क्या करें, जितने भी पेस्ट है उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज कर लें। जैसे कि देखो अब ध्यान से समझना, इंसेक्ट को मारे तो उसका नाम क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स। फंगस को मारे तो उसका नाम क्या होता है, फंगीसाइड्स। अच्छा समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आप क्या कर सकते हो, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था नीम एंड टर्मरिक। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जितना भी हो सके हम ऐसे इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो इन इंसेक्ट को खा जाए पर क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। तो दैट इज द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। इतना सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। मतलब ग्रेन्स की स्टोरेज के टाइम पर भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं भैया हमने अच्छे से उगाया, और क्या कहता है, और हमने उगाया पर अच्छे से उसको सेव ही नहीं कर पाए, हमने स्टोरेज के टाइम पे उसको खराब कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से समझो प्लीज। इन इंडिया अप्रोक्स 9% ऑफ ग्रेन are lost due to improper storage। ढंग से स्टोरेज नहीं होती ना बेटा, इसीलिए इतना ग्रेन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ फूड। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो बेटा दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। तो बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, जो लिविंग होते हैं ना उनको कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। जिसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा क्या आते हैं बेटा, उसके अलावा आते हैं बर्ड्स, नेक्स्ट क्या आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं देखो बर्ड्स के अलावा रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं, जो कुतर कुतर के खा जाते हैं, है ना। तो देखो हम लोग देखते हैं चूहे वगैरह हो जाते हैं, बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं ना वहां पे चूहे हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब वो जिनका ये लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है मॉइस्चर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी इन एयर। देखो क्या तो मॉइस्चर इन ग्रेन्स, ग्रेन्स भीग जाएं,
या फिर एयर में क्या आ जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए, तो दैट इज ह्यूमिडिटी इन एयर। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या आते हैं। तो इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रीन, भैया ग्रीन खराब हो गया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो एक तो उसका पैसे कम मिलेंगे हमें, तो पहली चीज क्या होगी, पुअर मार्केट वैल्यू, फार्मर को पैसे का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, लॉस इन वेट, उसका वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, देखो अब वजन भी कम हो गया, ये भी हो गया, उसके अलावा क्या होगा, डिसकलरेशन हो जाएगा, उसका कलर खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वालिटी पुअर हो जाएगी, तो देयर इज पुअर क्वालिटी। तो अब हम क्या करें, प्रिवेंशन का ध्यान रखें। देखो अब हम कहते हैं कि प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिफोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो बेटा जिनके घर में गेहूं आता है ना, उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता है कि ग्रेन्स स्टोर करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, सबसे पहला क्या करते हैं, उनको ड्राइंग करते हैं। कैसे सुखाते हैं बेटा, बाय स्प्रेडिंग ओवर प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक शीट्स पे स्प्रेड करते हैं, एंड ड्राइड इन सन, और भैया सनलाइट में क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, एंड ये तो हम करते हैं भैया सन से सुखा देते हैं, और फैक्ट्रीज में क्या करते हैं बेटू, फैक्ट्रीज में मैकेनिकल ब्लोअर्स होते हैं, ठीक है ना, उससे सुखा देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं भैया, नेक्स्ट स्टेप करते हैं उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। देखो अच्छे से उस ग्रेन को साफ करते हैं, क्लीनिंग में क्या करते हैं, क्लीनिंग में रिमूवल ऑफ डस्ट डर्ट एटसेट्रा, ठीक है ना, फिर उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली स्टोर्ड इन गनी बैग्स। नेक्स्ट में क्या करते हैं, जैसे हम लोग घर में ना वो हमारी टंकी होती है एक बड़ी सी, उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो दैट इज प्रॉपरली स्टोर्ड इन गनी बैग्स होते हैं बेटा, जो बोरियां होती है ना उनको क्या कहते हैं, गनी बैग्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। देखो स्टोर हो चुके, अब क्या करें भैया, अब तो स्टोर हो चुके हैं, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले करते हैं हम उसके अंदर इंसेक्टीसाइड को फ्यूम्स की फॉर्म में डाल देते हैं। देखो ध्यान से देखना प्लीज, हम क्या करते हैं, पहला तरीका होता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूम्स आर एडेड ऑफ इंसेक्टीसाइड्स दैट किल्स इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं। और हम घर में क्या करते हैं बच्चा, हम घर में यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स, जैसे कि इसमें क्या आती है, बेसिकली इसमें एग्जाम्पल होता है ड्राई नीम लीव्स, है ना, पत्तियों, नीम की पत्तियों को सुखा के हम लोग घर में उसके अंदर डाल देते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच क्लास।